अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ठीक है, कोई जा तो नहीं रहा कुछ भी, यहाँ से लगातार है ना। अपन ने यूपीएस दो लगवा दी थे यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, ताकि आपका लगातार आपका पावर मिल रहा है यहाँ पर। अभी राइट राइट जाती नहीं है, बीएमपी परसेंट जाती भी 10 मिनट की आती है, तो अपना यूपीएस काम कर गया। कोई समस्या? दो समस्या। अच्छा, हालांकि मैं देख रहा हूँ अपना स्टाफ लगा है बहुत शार्प। पहले नंबर देवास, कितनी स्ट्रांग रूम की तैयारियों को लेकर संतुष्ट हैं? मैंने पूरी तरह संतुष्ट हैं। भोपाल भी देखा, रायसेन भी देखा, विदिशा भी देखा, सीहोर भी देखा, आज यहाँ देख रहे हैं, इसके इंदौर जा रहा हूँ। सभी जगह जो नियम है आयोग के, जो निर्देश हैं, उनका पालन हो रहा है, और सेंट्रल फोर्सेज की सुरक्षा है, CCTV की नज़र में है सारा कुछ। जनप्रतिनिधिगणों से बात हुई, वो भी संतुष्ट हैं। सभी जगह सभी के लिए स्क्रीन लगी है, वो लोग वहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ व्यवस्थित है। सर, 29 नवंबर की टाइम लिमिट, मुख्य चुनाव आयोग को आपको रिपोर्ट पेश करना है, सारी मतगणना स्थलों का दौरा करके, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं टाइम लिमिट में काम होगा? नहीं नहीं, सारा जब चुनाव टाइम लिमिट में हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं कोई चुनौती नहीं है। सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हर जिले में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। चुनाव भी मध्य प्रदेश में पूरे शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए हैं, और काउंटिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स भैया। अभी स्ट्रॉन्ग रूम के आप बाहर कब से बैठे हैं और किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? भैया, हमारी जो शिफ्ट के अनुसार हम आते जाते रहते हैं कार्यकर्ता। अभी हम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं उनको देखकर यहाँ, उनको देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि कोई किसी प्रकार की छेड़छानी ना हो। वैसे हमारा जो जिला है देवास जिला, और हमारा जो केंद्रीय विद्यालय, ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है उसकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक जो जिम्मेदारी है हमारी, उसका निर्वहन कर रहे हैं। लगभग 3 तारीख तक आप वैसे शिफ्ट के? हाँ, शिफ्ट के अनुसार हम यहाँ पर बैठेंगे। कौन से प्रत्याशी? आदरणीय राजमाता साहब श्रीमंत गायत्री राजे पवार साहब की ओर से हम यहाँ पर बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी। आपका शुक्रिया। मनोज डोडिया, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।
भैया बताएं, अभी आप जो है स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं, कब से बैठे हैं और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था के लिए बैठे हैं? हम 18 तारीख से यहीं बैठे हैं जी, और बैठे बैठे कैमरे के सामने निगरानी कर रहे हैं। प्रदीप भैया 271 कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो अभी आप कहाँ पर बैठे हैं? हम ये स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 18 तारीख से। किस तरह की निगरानी आपके द्वारा की जा रही है? उन्हें कैमरे लगा दिए, यहाँ पर आके देख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या चीज़ें क्या नोट कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं? हाँ, कोई आए जाए नहीं है, बाहर नहीं है, स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? राकेश पटेल। मैं बताया, अभी आप स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं, कब से यहाँ पर बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? हाँ, 18 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर जी, कैमरे के सामने देख रहे हैं, जितना भी हम देखना चाहते हैं। किस चीज़ को आप नोट कर रहे हैं? नहीं, हमारे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे रूम के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर, वहीं देख रहे हैं। क्या लगता है, मतलब किसी प्रकार का डर? नहीं, कोई नहीं, प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है हमको यहाँ से जी। कौन सी विधानसभा? 170 सोनकच से, कांग्रेस पार्टी। क्या नाम? नवीन चौधरी।